नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और अंक तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमेशा से ही भारत अपनी सांस्कृतिक संपदाओं के लिए, अपनी समृद्ध विरासत के लिए, कलाओं के लिए पूरे विश्व में एक अलग पहचान के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कला साधकों को, अपने कलाकारों को और अपनी कलाओं को सही रूप में उन्हें प्रोत्साहित करें और उनका संरक्षण करें, यही कोशिश है। और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग के इस खास अंक के साथ। तो अगले आधे घंटे में होंगी हमारे कला और संस्कृति के तमाम रंगों को हम समेट के लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज का कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम उन कलाकारों की बात कर रहे हैं, उन आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जो अपने हुनर से, अपनी कलाओं से बेहद गंभीर मुद्दों पर भी अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। इमारतें बढ़ती जा रही हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं। आज हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। एक बड़ी संख्या में लोग अपने गांव परिवेश को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि प्रकृति और विकास में एक तरह का संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से इस संतुलन को बनाया जा सकता है, यही सवाल पूछ रहे हैं मशहूर चित्रकार चिपा सुधाकर अपनी प्रदर्शनी द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन के जरिए। आप देख सकते हैं उनके काम में किस तरह से इस संघर्ष को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। ये कॉन्क्रीट जंगल लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और हमारे जानवर, हमारे पेड़ पौधे इसी को खाने पर, इसी को कंज्यूम करने पर मजबूर हो चुके हैं। विभिन्न माध्यमों का यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया है चिपा ने। आप देख सकते हैं टेराकोटा का इस्तेमाल है, वुड कार्विंग है, स्प्रे है। यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं वो इन प्रदर्शनी को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उन्हें छूकर उन्हें महसूस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ चिपा इस प्रदर्शनी के जरिए एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इस विकास की दौड़ में प्रकृति को लेकर कहीं ना कहीं जो हमारी जवाबदेही है उसको लेकर हमें सोचने की इस वक्त आवश्यकता है। ट्रेसिंग द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन, ये प्रदर्शनी शहरी अराजकता के बीच ग्रामीण जीवन की लुप्त होती यादों को पुनर्जीवित करती है। कलाकार चिपा सुधाकर की एकल कला प्रदर्शनी ट्रेसिंग द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन राजधानी दिल्ली के सृष्टि आर्ट गैलरी में प्रस्तुत की जा रही है। चिपा सुधाकर की ये प्रदर्शनी ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे अतिक्रमण और पलायन की समस्या को उठाती है। कुछ अलग तरह का यहाँ पे एक अनुभव यहाँ पर आए दर्शकों को मिल रहा है, किस तरह से अंजाम दिया है इन बेहद खूबसूरत कैनवसेस को, आइए जानते हैं चिपा से। चिपा, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे ट्रेसिंग द ट्रेल्स ऑफ माइग्रेशन, किस तरह से पलायन को आपने अपने इस कैनवस में कैद करने का कोशिश की है। देखिए, ये बहुत सालों से मैंने देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक गांव से, मेरा स्टूडियो था, तो वो धीरे धीरे बदलते जा रहा है लैंडस्केप, मतलब कंक्रीट जंगल जो कंस्ट्रक्शन फास्ट और इतना फास्ट हो रहा है कि मतलब चेंजेस लैंडस्केप पूरा ख़त्म ही हो रहा है। मतलब वो मेरे को दुख लगता है कि वो चीज़ होना चाहिए, हमारा बैलेंसिंग ऑफ लैंडस्केप जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम रखना चाहिए, वो कुछ मेजरमेंट्स नहीं है हमारे पास, मैं सोचता हूँ। तो वो मेरा विचार है कि मेरा पेंटिंग्स के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ, मटेरियल का भी इम्पोर्टेंस है मेरा पेंटिंग में, जब मेटल हो या सैंड हो या वुड हो, हर चीज़ नेचुरल के साथ ही मैं काम करना चाहता हूँ। जो ओपन लैंड्स था एक टाइम में, जो मिल्क मैन जा रहा है तो गांव से लेके मिल्क सिटी में देने के लिए, तो धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है और इन फ्यूचर में वो मिल्क भी नहीं मिलेगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग होगा, इस तरह का मैं दिखाना चाहता हूँ पेंटिंग में। बिल्कुल, प्रकृति भी विकास भी, अगर हम इस मंत्र के साथ आगे बढ़ें तो किस तरह से हम बढ़ती आबादी की या भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। चिपा ने अपने आर्टवर्क्स में मिट्टी, लकड़ी, टेराकोटा समेत विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया है। All his work is about urbanization and migration. So for him, it's a concept that like really matters to him because he's saying that how is the urban landscape changing?
एंड उसका इम्पैक्ट रूरल कम्युनिटीज़ में कैसा है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट दिस पीस ऑफ वर्क, ये जो है ये पूरा वुड में ही इज कार्व्ड इट ऑन वुड. एंड ये ऐसा लगता है कि व्हेन यू लुक प्लेन से अगर नीचे देखो, इट्स एन एरियल व्यू ऑफ हाउ आर सिटीज एंड सिटीज लुक लाइक. ऐसे क्रिस क्रॉस रोड्स है एंड ये सब वुड में कार्व किया हुआ है. उसके बाद इफ़ यू लुक एट दिस साइड, दिस इज़ द प्लेन फार्म लैंड एंड ये स्लोली स्लोली ये इंक्रोच करते जा रहे हैं. और उधर लोग है जो रूरल कम्युनिटीज़ है, दे आर मूविंग हियर एंड दिस होल डेवलपमेंट इज़ मूविंग देयर. सो दिस इज़ ऑल ऑन वुड. ये जो है टेराकोटा है जो स्प्रे किया हुआ है, इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक्निक. दीज आर ऑल मेटल शीट्स. सो जो इम्पैक्ट जो व्यूअर को मिलता है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल पेंटिंग्स दैट यू सी. उनकी ये कलाकृतियाँ प्रकृति और विकास के बीच संतुलन खोजने के संघर्ष का प्रतीक हैं, जो दर्शकों को शहरों के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने का आग्रह करती हैं। चिपा ने इस प्रदर्शनी के जरिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से ठोस कदम उठाने की पहल की है. जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली. और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में एक ऐसी शाम में जो समर्पित रही कथक नृत्य को. बनारस घराने की नृत्यांगना अरुणा स्वामी ने अपने कथक नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. कथक भारत के आठ शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जिसने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के ताने बाने में अपनी जगह बनाई है. प्राचीन काल से चले आ रहे इतिहास के साथ कथक में एक मनोरम विकास हुआ है, जिसमें विविध प्रभावों का सम्मिश्रण हुआ और नवीनता को अपनाया गया है. एक ऐसे ही मन को मोह लेने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां नृत्यांगना अरुणा स्वामी ने अपनी कला के जब जौहर दिखाए तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. अरुणा स्वामी बनारस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं. कथक हो या और भी जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक नृत्य हैं, सांस्कृत संगीत हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कथक एक तरह से थोड़ा संपूर्ण ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको कथक के लिए आपको गायन, वादक और नृत्य तीनों की तालीम लेके जब आप उसमें खो जाते हैं तो एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाते हैं. इस मनमोहक कार्यक्रम में अरुणा स्वामी के साथ संगत देने वाले कलाकारों ने भी अपनी कला से खूबसूरत समा बांध दिया. इन कलाकारों की जुगलबंदी देख सभी दर्शक इनकी कला को सराहे बिना नहीं रह सके. इस संगीतमय कार्यक्रम में प्रसिद्ध नृत्यांगना नलिनी कमालिनी ने अतिथि के रूप में शिरकत की. उनका मानना है कि आज के युवा कलाकार अपनी प्राचीन सभ्यता और परंपरा को नहीं भूले. बहुत अच्छा लगा अरुणा जी का नृत्य देख के. वैसे तो विश्व भर में जहाँ पे भी जाती हूँ, मुझे लगता है कि हमारी जो फैमिली है, आर्ट फैमिली, वो बहुत ही रिच है. मेरा ये मानना है कि आजकल के युग में जो कलाएँ हैं, खासकर नृत्य, वो सबसे ऐसी चीज़ है जो इस समय की मांग है. पहली बात आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है. गीत, संगीत और नृत्य हमारी परंपरा का एक हिस्सा रहा है, और जब जब हम अपनी परंपराओं के नज़दीक जाते हैं तब हमें अपने भारतीय होने का एहसास होता है. और हमें ये लगता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अगर हमें मन का सुकून चाहिए तो हमें अपनी परंपराओं को जिंदा रखना ही होगा. इस कार्यक्रम को शीर्षक भी परंपरा दिया गया.
और वाकई कथक नृत्य हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है, जिसे आज के युग में भी पसंद किया जाता है और इसमें हमारे कलाकार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपना घर बार छोड़कर चले जाना, किसी नई जगह पर बसना, अपनी जड़ों से अलग हो जाना, इसका दर्द कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों तक नहीं जाता। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, उनका पलायन इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसका दंश, जिसका दर्द अभी भी वो लोग सह रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं एक ऐसे गीतकार से, एक ऐसी संगीतकार, ऐसी गायिका से जिसने अपने उस दर्द को अपने संगीत में ढाल दिया है। आइए मुलाकात करते हैं आभा हंजुरा से, जिनके संगीत में, जिनकी आवाज में आप उस कश्मीरियत को, उस कश्मीर की संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। आइए करते हैं आभा से एक मुलाकात और जानते हैं किस तरह से अपने संगीत के जरिए वो एक नया पैगाम दे रही है। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास इसलिए क्योंकि संगीत के जरिए ना सिर्फ इन्होंने अपने जीवन को एक नया आयाम दिया है पर कई ऐसे अपने पहलू हैं अपने व्यक्तित्व के, अपने इमोशन के, जिनको भी इन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने संगीत के जरिए, अपने गाने के जरिए। बहुत कुछ जानेंगे इनके बारे में। आइए स्वागत करते हैं आभा हंजुरा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आभा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि संगीत से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? मेरी जो राह थी वो पता था मुझे कि शायद फिल्म संगीत नहीं है, अपनी कहानी कहना चाहती हूँ अपने म्यूज़िक के थ्रू। एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है जो अपने संगीत में कुछ अपना इंडिपेंडेंट करना चाहूँगी। करते करते राह बदल दी, कुछ और ही करियर किया बहुत साल और फिर कश्मीर गई बहुत साल बाद। वहाँ जाके उसको एक पूरे नए नज़रिए से देखा, वादी को, और उस पूरे एक्सपीरियंस ने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और कॉर्पोरेट करियर से मैं संगीत की तरफ एक पर्पज़ मिला, एक ये जाना कि यहाँ से ही मैं हूँ और यही मेरी रूट्स हैं और इसी के संगीत को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ावा दूँ और अगर और लोगों तक कश्मीर का एक अलग पहलू पहुँचाऊँ संगीत के थ्रू, तो शायद ऐसा हो कि लोग अलग तरीके से बात करने लगे कश्मीर के बारे में। तो मैं उस समय वही पर्पस था, तो वो सारे गाने मेरी पहली एल्बम साउंड्स ऑफ कश्मीर कम्प्लीटली लोक संगीत को डेडिकेटेड थी कश्मीर के। हालांकि मैं पंजाबी, उर्दू, हिंदी इन सब भाषाओं में गाती हूँ बट पहली एल्बम मैंने पूरी कश्मीरी में करी। सारे गाने जो मेरे बचपन से लेके, उसमें सूफियत से लेके, लाइट म्यूज़िक से लेके, एक फोक म्यूज़िक से लेके, हर कोई एक अलग कंटेम्प्रेरी अंदाज में मैं चाहती थी लोगों तक वो संगीत पहुँचे। जो आपने साउंड्स ऑफ कश्मीर की बात की, जो पहला आपका एल्बम था, अगर शुरुआत हम उससे करना चाहें कि उस एल्बम से अगर आप हमें कुछ दो लाइन सुनाएं तो। आम पन सदरस नाय कट बोझ दई म्यों मिते दीतार आमन टाकन पों जन श्रमा जूचुम ब्रह्मा गर जूचुम ब्रह्मान गर गत। बहुत बहुत खूबसूरत है। तो बाकी ये आवाज़ की गहराई है जो आज वादियों से निकलकर पूरे विश्व में गूंज रही है।
जब इस तरह से एक गाना आपका इतना ज़्यादा मशहूर हुआ हो, कस बकस की बात करें, कई जगह पे मैंने इसके बहुत सारे अडेप्टशंस देखे हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने इस गाने को लिया है और बहुत सराहना मिली इस गाने को। इस गाने के बारे में बताइए, किस तरह से इसकी कंपोज आपने किया और जब इतनी तारीफ़ ये बटोर रहा है तो उसके बाद क्या कुछ एक मज़ा आता है इसको आज भी परफॉर्म करने में, लोगों के बीच जाने में? कश्मीरी संगीत में पहला एक पॉप साउंड हुक्कुस पुक्कुस से ही आया। जब मैंने कश्मीरी संगीत करना शुरू किया तब भी मेरी एक मोटिवेशन ये थी कि कोई उसको इस तरीके से इस स्तर पे नहीं कर रहा था जो स्तर पे मैं इसकी विजन को लेके बैठी थी कि मुझे इस गाने को, इस म्यूज़िक को वादी की जो साउंड्स हैं, वादी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें कंटेम्प्रराइज करना है, उन्हें लोगों तक पहुँचाना है, उन्हें उधर से निकाल के एक अलग रंग में ढालना है। तो वो सब इन सारे गानों के थ्रू हमने करने की कोशिश करी। तो ये गाना एक ऐसा है जो वापस वापस आता रहता है, इसकी अपनी एक तकदीर है और इसने मेरी ज़िंदगी का रुख ज़रूर बहुत बदला। उससे पहले भी मैंने बहुत काम किया था लेकिन वो गाना एक ब्रेक थ्रू हिट जिसको कहते हैं बन गया। उस एक नई पहचान उसने आभा को दी, तो थोड़ा हो जाए दो लाइन इसका भी। हुक्कुस पुक्कुस तिलवन सुक्कुस उन्नुम पत्तुक्लुद्दुम देख श्वास किच किच वामनो ब्रह्मंजारन पोंच हुक्कुम टिक्किस टेक्का बन्नी क्यों हो। हुक्कुस पुक्कुस तिलवन सुक्कुस उन्नुम पत्तुक्लुद्दुम देख श्वास किच किच वामनो ब्रह्मंजारन। बिल्कुल आप समझ गए कि क्यों ये गाना इतना वायरल हो रहा है आभा। लेकिन एक संगीत के माध्यम से जिस तरह से कश्मीरियत इतनी ज़्यादा इसमें है, हावी है, तो क्या सही में आप अपने संगीत के ज़रिए दुनिया को अभिव्यक्त करना चाहती हैं, कन्वे करना चाहती हैं? शुरू से ही एक ये था कि कोशिश रही, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और हम हमेशा एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी और कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट बहुत नेगेटिव हो गया था ओवर द ईयर्स। एज अ कश्मीरी, एज समवन फ्रॉम द लैंड, मैं चाहती थी कि ये थोड़ा बदले, लोग थोड़ा कल्चर की तरफ भी ध्यान दें। वहाँ की हेरिटेज कल्चर बहुत यूनिक है और बहुत ही ब्यूटिफुल है, थोड़ा सा उसके बारे में भी लोग बात करें। तो ये मैं और बहुत सारे आर्टिस्ट फिर बाद में इस मुहिम में जुड़े हैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर स्टीरियोटाइप ना हो फॉर इट्स फॉर ओनली वन थिंग। म्यूज़िकली मैं हर तरह का संगीत बनाती हूँ, मतलब हुक्कुस बुक्कुस से खानमच कुर से लेके मेरे मकान, म्यूज़िकली बहुत ही अलग रेंजेस में हैं। तो अगर लोग हुक्कुस बुक्कुस से हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, तो मेरे मकान में जार जार होकर रो भी रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे मेरे मकान की। मेरा मकान आभा का लेटेस्ट वेंचर है और कहा जा रहा है कि ये आपका अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सोलफुल म्यूज़िक पीस है जो आपने बनाया है। और इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही या क्या कुछ कहानियाँ आप मकान के ज़रिए दर्शकों से साझा करती नज़र आएंगी? ये गाना जब आया, जब मैंने लिखा, तो एकदम दरिया की तरह एक साथ आया और लिखते 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 ये, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की कहानियाँ हैं इसमें, तो इस गाने को मैं एक नॉर्मल पॉप सॉन्ग की तरह ना छोटा कर पाई, ना क्रिस्टलाइज कर पाई, ना इसको मुझे पता था ये कहानी इसकी पूरी एंटायरिटी में ही कहनी ज़रूरी है। बनाना हमने जब शुरू किया तो ये मुझे पता था कि इस गाने में मुझे अपना वो रुख दिखाना है एक कलाकार के तौर पे जो अब तक शायद लोगों के सामने नहीं आया। मैं गज़ल, नज़्म ये सब सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, तो मकान एक मॉडर्न डे नज़्म स्टाइल में प्रेजेंटेड गाना है जो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है लेकिन उसकी परतें, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज हैं, चाइल्डहुड की बात है और फिर उदासी है, नाराज़गी है। तो ये क्योंकि ये जो मैं एज समवन हु इज़ डिस्प्लेस्ड, आई हैव गॉन थ्रू दीज इमोशंस, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये गाना है कि आप अगर अपने घर से, अपने जड़ों से दूर हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट में जितनी सारे इमोशंस आते हैं, तो इसमें मेरी दादी का लेंस, मेरे पापा का, मेरा, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। अलग अलग स्टेजेस पे लोग अपने घरों से, जब उनकी जड़ों से उनको अलग कर दिया जाता है तो क्या फील होता है,
तो वो मेरे मकान में बहुत सारी कहानियाँ, इसको मैं गाने की तरह नहीं कहानी की तरह लेती हूँ। काफ़ी इमोशनल जर्नी है मकान के थ्रू, लेकिन अगर दो लाइन अगर आप कुछ सुना सकें तो। जी जी बिल्कुल, आई विल। बे आवाज हूँ किससे ये बता, क्या होगा कभी मेरा वो पेड़ मेरे आंगन का। सुना बहार आई है, एक नई बहुत खूब। और यकीनन जिस तरह से मेरे दिल को छुआ, उन तमाम लोगों के दिलों को भी छू रहा है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आप इस गीत को सुन सकते हैं। यकीनन ये एक गीत नहीं, एक कहानी के रूप में है। अब आगे क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ करना चाहते हैं संगीत के लिहाज से? बहुत कुछ। आई थिंक एक तो सबसे पहले ये कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि कश्मीर की जो ये साउंड है, कश्मीर का जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसको हम इंटरनेशनली बड़े बड़े स्टेजेस पे लेके जाएं, और उसी की मुहिम चल रही है और वो होगा भी जल्दी। फोक में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कश्मीर का फोक तो ज़रूर करती हूँ, मैं पंजाबी फोक भी गाती हूँ, मैं खुद की कॉम्पोजिशंस भी मेरी बहुत ही हिंदी उर्दू वो सब, तो अलग अलग आर्टिस्ट, अलग तरह के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ इस साल। नए नए तरह के गाने कोशिश करती रहूँगी कि अलग अलग तरीके का रुख दिखाती रहूँ, अलग अलग तरह के गाने आते रहें, और आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट मैं इनोवेट करती रहूँ अलग अलग तरीक़ों से। तो चलते चलते हम सुन लेते हैं उस संगीत की एक और झलक जो आज लाखों करोड़ लोगों को आभा से जोड़ रही है। कोई भी गीत जो आपको पसंद है, जो आपके फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ सुनाइए। रोश वाला यारो दिल भरो, चलो चिनारों के घरों। रोश वाला मैंने दिल भरो, पोषण बहारा यूर वालों। रोश वाला मैंने दिल भरो, पोषण बहारा यूर वालों। रोश वाला मैंने दिल भरो, पोषण बहारा यूर वालों। रोश वाला मैंने दिल भरो, पोषण बहारा यूर वालों। कि फूल खिल रहे हैं वादी में, तुम आ जाओ। वाओ, थैंक यू सो मच। एक हमारा एक मिनी कॉन्सर्ट हो गया यहाँ पे इस इंटरव्यू में। बिल्कुल, ये जो धुने हैं, ये जो आवाज़ है, ये जो बदलाव की एक बयार बह रही है, उसको हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। ये वो संगीत है जो युवाओं का संगीत है, सपनों का संगीत है, और उनके सपनों को अभिव्यक्त कर रही हैं। उन अनगिनत कहानियों को यहाँ पर अपने संगीत के ज़रिए वादियों से बाहर निकाल कर पूरी दुनिया तक पहुँचा रही हैं। आवा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खास इंटरव्यू के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि आपका संगीत इसी तरह से गूंजता रहे, ना सिर्फ वादियों में बल्कि पूरे विश्व में। यकीनन